अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, उम्मीद करूँगा सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने देखा है कि रिंग नेक की ब्रीड जो है वाइल्ड में किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, अजीब सा टॉपिक है, बट काफ़ी दोस्त हैं जो इस बारे में भी मुझसे सवाल करते हैं, ठीक है, तो आज इसी पर बात करेंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और साथ दबा दे बेल आइकन को भी, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बेल आइकन बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि अगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैरट्स, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, मतलब नेचर के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है और वो रिंग नेक नहीं ख़रीद पाते, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो का कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो वो उस पर ही होगी, या उसके लिए रॉन्ग साबित होगी, या जो भी है वो उसका ज़िम्मेदार खुद होगा, क्योंकि मैं जस्ट उनके लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको रिंग नेक्स का शौक़ है, उनके लिए नहीं जो मेरी वीडियो देख के दोबारा वही काम करें जो मैं इसमें बताता हूँ और वो बच्चे निकाल के दोबारा सेल कर दें, ऐसे लोगों के लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोई ऐसा भाई है जिसको रिंग नेक का बहुत ज़्यादा शौक़ है बट पॉकेट मनी कम है, या फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, 1500, 3500 का बच्चा है लेकिन वो पैसे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मरहूम है एक तरह से पैरट से, और उनका बहुत शौक़ है कि वो इनको टेम करें और उनको पालें। तो दोस्तों, बात ये करूँगा कि अगर आपका घर है जहाँ पे उसके आसपास या करीब कोई भी बर्ड पैरट्स है, तो उसने नेस्ट बना लिया है और आप देख रहे हैं कि अब वो उसमें आना जाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, और आपको लगे कि अब हाँ इसके बच्चे आने वाले हैं, तो काइंडली ऐसा किया करें कि अगर आपने उसका बच्चे लेने ही हैं तो ऐसा नहीं करें कि उसके सारे बच्चे उठा लें। जिसको शौक़ है वो एक बच्चे से भी काम चला सकता है। तो अब मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। तो जब वो आपको लगे कि हाँ अब ये इनका सीज़न भी आ गया और अब ये ब्रीड करेंगे यहाँ पे, तो काइंडली वहाँ पे आना जाना बहुत कम कर दें, क्योंकि ये बर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प, ये और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत समझदार होते हैं, कि ये वहाँ पे अगर जहाँ पे इनका नेस्ट है और वहाँ से अगर एक ही बंदे को काफ़ी बार देख लें तो ये अपना नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं और दोबारा वहाँ पे कभी भी आके ब्रीड नहीं करते। फ्यूचर में करेंगे, 3-4 साल बाद जाके करेंगे, क्योंकि तब तक उनको भी भूल चुका होता है कोई कोई चीज़ें। तो ये मैं आपको कहूँगा कि जब रिंग नेक बच्चों पे आया हो, आपको लगे कि हाँ अब ये मेटिंग वगैरह कर रहे हैं और अब बॉक्स में आते जाते हैं और खाना एक मेल ला के फीमेल को फीड करवाता है, तो इसका ये निशान है कि हाँ अब इनकी ब्रीड आने वाली है या आ चुकी है। तो आप बस जब एग्स वगैरह हो जाएं, आप ये आपने अंदाज़ा रखना है जिस दिन के अंदर कि अब मेल और फीमेल ज़्यादा बॉक्स में जाते हैं, और उनके पेड़ में या जहाँ पे उनका नेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, तो आपने जस्ट 30 दिनों के बाद ये होगा, ये भी अंदाजे से बता रहा हूँ कि जब आप देखेंगे उससे ठीक कोई 22-23 दिन के बाद बच्चे निकल जाएंगे, और 7-8 दिन जो उनसे ऊपर 35 दिन या महीने के बाद जाके आप बच्चे ले सकते हैं उसके। ये मैं अंदाज़े से बता रहा हूँ क्योंकि इतनी देर तो लग ही जाती है और थोड़े थोड़े पर भी आ जाते हैं बच्चों के, बट ये एक छोटी सी शर्त है, अगर मानेंगे तो बहुत शुक्रिया, वरना मैंने जैसे वीडियो में पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि वो आप पर ही होगी, ठीक है, कि आपने अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक किया है तो प्लीज़ आप उनका एक बच्चा उठाएँ, ताकि उनको भी फील हो कि हाँ एक बच्चा उठाया, इसकी ज़रूरत थी ये वो, कोई भी पेरेंट ऐसे सोचता तो नहीं है, बट उनके पास जो उनसे होंगे उनकी तो वो सही तरह से केयर कर सकेंगे। और हाँ, रात के वक़्त आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं जहाँ पे उनका केज है या नेस्ट है, जब वो आपको देख ना रहे हों तब आप रख दें, नेक्स्ट डे वो उठा के खा लिया करेंगे। इसमें क्या होता है कि मेल या फीमेल जब बच्चों पर आता है तो उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है और फीड वगैरह लेके आनी पड़ती है, तो ऐसे में उनके लिए ही हेल्प हो जाएगी उनकी भी, कि उनके पास ही उनको हर चीज़ मिल जाएगी जो वो अपने बच्चों को जल्दी पाल सकते हैं। सही है,
तो इस तरह की चीज़ें आप दें उनको, ताकि वो हैप्पीली वो उठाएं भी चीज़ें और उनको पता भी ना चले। क्योंकि एक भाई था उनके यहाँ, रा का था नेस्ट, लेकिन वो भाई 2 से 3 दफ़ा आई थिंक उसको देखा होगा, और वो पेयर वहाँ से चला गया और दोबारा आया नहीं। फिर भाई ने मुझे कहा हाँ यार ये हो गया ये हो गया। तो मैंने फिर कहा यार जब आपको पता है, लाइक अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड में कोई भी चीज़ है ना, तो अब अगर वो नेस्टिंग पे होगी, लाइक बच्चों पे ब्रीडिंग पर होगी, तो आप उसको ज़्यादा देखेंगे तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगी और वहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि लाइक उनके भी कोई जीने की होती हैं, मसले होते हैं, उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब आपने जहाँ देख ही लिया कि हाँ वो बच्चों पे आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो आप कुछ दिन उनको नज़र ही ना आए, मतलब उनके नेस्ट की तरफ ना देखें, उनकी तरफ ना देखें, ताकि उनको भी ऐसा महसूस हो कि हाँ हम अकेले हैं और हम सब ये कर रहे हैं और कोई हमें नहीं देख रहा और हम सारे महफूज हैं। और जब बच्चे अंडे दे दें, तो आप एक या दो बच्चे जितनी आपको ज़रूरत हो उतने उठाएं, बाकी जो है वहाँ पे रख दें। क्योंकि ऐसे में उन्होंने भी तो कितनी कोशिश करके, लाइक स्ट्रगल करके वो अपने बच्चे अंडे बच्चे करते हैं, और फिर कोई उठा के ले जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाइक दुख होता है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो इंसान हो, हर किसी को बच्चे अपने अजीज़ होते हैं। बट दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, मुझे वीडियो में गलत मत समझना, मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको बहुत ही ज़्यादा शौक है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लाइक एक तरह से गरीब होते हैं ना, और वो कोई कोई मेरे जैसा गरीब ही लगा ले कि वो जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर वो नहीं कर पाता तो तब आप लें, ठीक है, तब आप बच्चे उठाएं, ताकि आपको भी लाइक बदवाएं नहीं लेने पे बर्ड्स के लिए। बदवाएं तो देंगे क्योंकि उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, बट आपके लिए इसलिए वीडियो बनाई ताकि आपको शौक है, जस्ट वाई ये वीडियो बनाई है, एक आधा बच्चा उठाएं और बस, ठीक है। बट उनको चीज़ें भी प्रॉपर दें और उनको किसी चीज़ का भी खतरा ना हो, ये वाली शर्तें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आई नो के बर्ड के ख़िलाफ़ है, बट बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ आपको समझ तो आ रही होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन को दबा दें। और अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर कभी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अपना, अपने बर्ड्स का और अपने घर वालों का, सेहत तबीयत हर चीज़ का बहुत सारा रखें ख्याल, दुआ में याद रखें, फ़ी अमान अल्लाह।